नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके मस्त और हम एक नया शो लेके आए हैं, कॉमेडी लाफ्टर से भरपूर। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धस लें और कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा हंस लें। और दोस्तों, आज आगाज करते हैं इस नए शो का, और हमारे साथ हैं आज के मशहूर विख्यात कवि रमेश पांचाल जी हमारे साथ हैं, और इस शो में चार चांद लगाने के लिए वो हमारे साथ हैं। हालांकि उनके सर पे पूरे बाल हैं, कोई चांद नहीं है, फिर भी आप उनकी बातों से खुशी के चांद चारों तरफ महकेंगे, सितारे खिल खिलाएंगे दोस्तों। और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं रमेश जी का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं रमेश जी हम आपके अपने इस प्रोग्राम में। आपको आज भरपूर आनंद आने वाला है, और आपके साथ साथ हमारी जो श्रोता हैं उनको भी मन खूब खुश होगा, हर्षित होगा हम आपसे बात करते हैं। रमेश पांचाल जी, आपका स्वागत पुनः करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, पांचाल साहब, ये पांचाल क्या है? आपका नाम है क्या है ये? दुनिया एक चाल चलती है, अपन पांच चाल चलते हैं, इसलिए पांचाल, रमेश पांचाल मेरा नाम है। हास्य कविताएं करते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हाल मस्त रहते हैं, इसीलिए रमेश पांचाल रहते हैं। क्या बात है सर, मैंने सुना था, शास्त्रों में भी पढ़ा था, पांचाली तो थी, ये पांचाल कहां से आया? पांचाल थी तभी पांचाल आए हैं। अच्छा, पांचाली तो माता जी का नाम पांचाली था? हाँ बिल्कुल, पांचाली रहेगा, कंचन पांचाल, मदन जी पांचाल। चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप हास्य के कवि हैं, अपने बारे में बताएं, आप किस तरह से बने हास्य के कवि? बस आप जैसे मित्रों के सहयोग से बचपन से ही मस्त थे, खेलते खिलाते, बस हास्य कविताओं में परिवर्तित तो हो गए, चलते चलते पता भी नहीं चला कि हम कब हास्य कवि बन गए। मैंने सुना है भाभी जी का बड़ा योगदान है आपकी इस कविताओं के क्षेत्र में, आपका पदार्पण हुआ जो। हाँ, कविताओं के साथ साथ लंबाई में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, वो तो हर मिसिज लंबा कर ही देती है इंसान को। आपको भी किस तरह से लंबाई पे किस तरह से हास्य पैदा हुआ आपके पास? हाँ, वो मेरा छोटा बच्चा है, घर में क्रिकेट खेल रहा था, पट्ठा हाँ गेंद उछली, उसकी जी, माँ ने उसको जोरदार की डांट लगाई, रे सोनू तूने अब की बार कोई ना कोई तोड़फोड़ करी तो मैं तेरे को मार मार के लंबा कर दूंगी। वो हाँ छोरा भी उसी मस्ती में बोला, मम्मी मम्मी पहले बताओ पापा ने क्या फोड़ा। क्या बात है, यानी कि तो वही कान से, खींचने से लंबा होता है। हाँ बिल्कुल, उस ममतामयी करुणामयी दयामयी का इसी प्रकार से अगर बेलन गरजता रहा तो हाँ इस लंबाई के सारे पद पदक स्वर्ण पदक जो भी होंगे मेरे ही नाम। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात है, जब आप तो इतने ऊंची आपकी हाइट है, जब आप नीचे देखते होंगे तो आपको तो संतरे भी नींबू दिखाई देते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो संतरी भी आप ही बेच रहे थे मेरे को। इस लंबाई के ऊपर कई बातें हैं जी, हाँ कई बताएं। बातें हैं, कई इसके हास परिहास हैं। मेरी शादी में बड़े कौतक हुए साहब प्रवीण जी, मस्त मैं आपको क्या हुआ, बताऊं, क्या हुआ? कहानी के ब्याह में कौतक हो ना हो, लेकिन लंबे आदमी की शादी में कौतक की कौतक। वो छोटी सी घोड़ी ला दी फेरों के टाइम पर, बारात जी के टाइम पर, जी बारात निकल रही थी, छोटी सी घोड़ी, वो छोटी सी घोड़ी छोटी भी इतनी छोटी कि पैर भी समेट के बैठा तो घुटने की से। क्या आप बात, जैसे मिस्टर वो केसर देव जी मारवाड़ी, उन्होंने फटाको की लड़ी बांध दी तो घोड़ी की आपके पूंछ तो पर, घुटने शादी से पहले ही टिक गए थे। अच्छा, अजी घिस गए। घिस आगे गए। सारी जिंदगी पड़ी थी, रामनाड़ी क्या होगा। जिंदगी क्या पड़ी थी, उसी की तैयारी कर रहे जी, थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओ आप कुछ कविताओं का अपना हुनर, जिससे आपको लगता है कि आपको खूब मजा आए पब्लिक को। बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसे मैं हास की कविताएं के लिए लंबाई के ऊपर ही मैं आपको बात कर रहा था। शादी में बड़े कौतुक को है, तो वो घोड़ी की पूंछ के पीछे फटाकों की लड़ी बांध दी, अच्छा। घोड़ी भिदक गई। मैं तो कर रहा था तोरण मारने की तैयारी, ना घोड़ी ने करके टांगे ऊंची कर दी, वो दौड़ लगा दी, मैंने तोरण द्वार मैंने नहीं मारा, तोरण द्वार में मेरे मारा बकाला निकल गया। क्या बात है, इतने मतलब आपको तो छड़ी की जरूरत नहीं, आप खुद ही छड़ी होंगे उस समय, वजन वजन छड़ी भी नहीं कम थी, वो क्या होगा। छड़ी, वो तोरण द्वार ही मेरे ऊपर आ गया सारा, बड़ी मुश्किल से साफा शेरवानी वो सलवार के इज्जत के दो टुकड़े हो गए, बड़ी मुश्किल से संभाल संभूल के खड़े हुए। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई पांचाल जी, की सलवार, दूल्हा एक ही दिन सलवार पहनता है, मतलब बाकी जेंट्स कभी मैंने सलवार पहनते नहीं देखे, और उस समय पहननी पड़ती है, मजबूरी फिर जिसकी से। जो बेचारी सलवार वाली आ जाती है, फिर शायद उसकी गैल छूट जाती है ना। तो और कुछ बढ़िया सी कविता एक सुनाए ताकि मजा आए लोगों।
हाँ बिल्कुल, आप इसी लंबाई पे अपन चलते पत्नी पे ही रहते। सुनाओ यार, अच्छा पत्नी, लगे। चलो आपकी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं पत्नी पे ही। पत्नी की, हाँ 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 जी, पत्नी की, पत्नी से ही, पत्नी स्तुति, दुनिया जमाने भर के देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, मैं पत्नी स्तुति से ही इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कि या पत्नी, हाँ यानी मेरी सगी पत्नी, ओ माय गॉड, या पत्नी, हाँ सर्व भूतेषु, अच्छा भूचाल रूपेण संस्थित, मतलब सब भूतों से भयंकर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भूचाल रूपेण संस्थित, ओहो नमस्तस्य ही, नमस्तस्य ही, नमस्तस्य ही प्राण पिया, क्या बात, हे वेलन धारणी, आ हा हा हा, झाड़ू मारणी, वाह वाह वाह, भेजा खावणी, ओहो हो, पल पल सतावणी, क्या बात है, हरदम रुलावणी, वाह, पति के सुख चैन हरणी, हाँ निंद्रा हरणी, हाँ पागल करणी, क्या बात, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, हाँ नमस्तुभ्यम, सर्व कष्ट प्रदायिनी, हाँ सर्व सुख नाशिनी, हे वाइफ पीड़ा दायक, मैं तो हारा हारा हारा, क्या बात है, पति तपावन पनौती की जय हो। इस हैंडसम हस्बैंड की आपने बात सुनी, कितनी दुखी होके कवि बनता है इंसान, और ये पत्नी ही दुखी करके बनाती है। अच्छा आप और क्या करते हैं, आप जीवन यापन के लिए कविताओं के अलावा, देश विदेश में घूमने के अलावा और क्या करते हैं आप? हाँ जी, मेरा एयर कंडीशनिंग का काम है, एसी, मतलब जिंदगी हो जाती है ना वो एसी की तेसी। अच्छा भाई सोनी के हम करते हैं फिर वैसी की वैसी। हाँ लेकिन मैंने, रमेश जी मैंने सुना था कि जो घर का जो मुखिया होता है वो उस कंप्रेसर की तरह काम करता है, जिस पे सारी धूल मिट्टी वगैरह छपी रहती है, नाम उसका कंप्रेसर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर उस ये आपकी मैंने रचना सुनी थी वहां पे, जब बहुत अच्छे से कवि सम्मेलन में आप करते हो, क्या और इसके बारे में हास्य आप? ये दाई माई भी होता है सर, चुगलों की, देखो चूहे तो अंदर बच्चे देते हैं, हाँ और कबूतर इसके ऊपर, ये अंडे सेने का भी काम करता है। अच्छा, हाँ तो उबले हुए अंडे मिल सकते हैं अपने को अगर घोंसला तलाशे तो, यो यस। और इसके देखे अंदर, देखिए आप, हाँ अब किसी ने मान लो भुट्टे खाए या पकौड़ी खाए, हाँ तो उसका जो लाभ सभी को मिलता है एसी में। अच्छा सर एक बात आपकी मैंने बहुत पहले सुनी थी, शायद आपको याद है कि नहीं, कि इसमें एसी में जैसे पेट एक का खराब हो वो क्या था किस्सा? पेट एक का खराब हो तो उसका बेनिफिट सभी को मिलता है। अच्छा दिमाग चार का खराब होता है क्योंकि एसी में हवा वही घूमती रहती। चलो कोई बढ़िया सा कोई छंद पे आप लोगों को बताएं कि कविता का बढ़िया रसास्वादन लें लोग। मैं आपको एक हास्य का छंद सुनाता हूँ। जी जी जी, जहां से ये इसका दुलंडी के ऊपर आपको एक हास्य का बहुत बढ़िया छंद सुना, बिल्कुल बिल्कुल, होलिका पे, होली के ऊपर, बिल्कुल। होता क्या है कि जब हम अपन गुलाल मल रहे होते तो ये भी नहीं पता मैंने प्रवीण जी मस्त को गुलाल लगाई थी या केसर देव जी को लगाई थी या बेद जी को लगाई थी, पता नहीं चलता, सर एकदम से ढके ढकाए होते, तो वहीं से मैंने इस रचना को उठाया। जी स्वागत, सॉरी उसका विस्मृति हो गई दूसरे से बात ही बापा में। चलो कोई नहीं, दूसरी बात ऐसे तो हो जाती है, आदमी शादीशुदा आदमी की समस्याएं हैं, ये आपके साथ नहीं है, हर आदमी भुलक्कड़ होता जा रहा है। आपको शाम को सब्जी क्या ले जानी पता है आपको? आलू थोड़ा सा उसको याद कर लेना। जी जी चलो चलो, आप श्रृंगार की कोई पंक्ति सुना दे तब तक। श्रृंगार की नहीं, मैं उसी पर वापस आ जाते हैं अपन एक मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, यानी लौट के बुद्धू घर की तरफ जाने की कोशिश कर। चलो अपन पूरी कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं उसी को याद करने के लिए। करें करें करें, रुको एक मिनट रुक जाओ, कितना रुके, कुछ दूसरा सुना दो तब तक, फिर याद आ जाए, क्या दिक्कत, अपने घर की बात है। कृष्ण राधिका का विशेष। हाँ अरे वाह वाह क्या बात है, सुनो नंद जी के लाल। हाँ क्या होता है कि वो बार बार गोपाल जी कृष्ण के कारण से गोपी परेशान होके भगवान को गोविंद को धमकी देती है, काना तूने अब की बार मुझे रंग लगाया तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी। ओ, क्या होती ओ माय, सुनो नंद जी के लाल, होगा तेरा बुरा हाल, अब के जो काना तूने रंग मुंह पे डाला है, क्या बात है, तेरे चोर टोली संग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, चोरी सीना चोरी का जग में ढिंढोरा है, क्या बात है, गोपी जात से गुजर कर जाए वो गुजर, गोपी जात से गुजर
कर जाए वो गुजर, रंग ऐसा रंगूंगे जो अब के जो छेड़ा है। वाह, तेरे बाबा करे सोच माँ यशोदा करे गौर, तेरे बाबा करे सोच माँ यशोदा करे गौर। ये कौन है, किसकी है छोरी है कि छोरा है, ये कौन है, किसकी है छोरी है, ये कंफ्यूजन का मामला है, छोरी है या छोरा है, ढूंढते रह जाएंगे। अच्छा चलो, ये ऐसा बच्चा भी हो जाए तो कुछ कमा खाएगा, उसको शुरू से ही रोजगार लेके पैदा होता है बच्चा। तो वहीं से मैंने वो छत उठाया था, होता क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, लगाना किसको गुलाल था, लगा किसको दी। स्वागत है, स्वागत है, पूरा करें। उसी संबंधित एक जो छंद था जी जी, कि लगा गाल पे गुलाल, कि लगा गाल पे गुलाल, रहा मन में मलाल, यार ये गुलाल मैंने किसको लगाया है। वाह, बहुत अच्छे। गाल पे गुलाल, रहा मन में मलाल, यार ये गुलाल मैंने किसको लगाई थी। वाह, होली के हुड़दंगियों ने हुलिया बिगाड़ दिया, उन्हें पहचान कैसे बड़ी कठिनाई थी। क्या बात है, कि बाहों में जकड़ मैंने अंग अंग रंग दिया, ओहो बाहों में जकड़ मैंने अंग अंग रंग दिया, हाय भामी कड़ जेने खूब ठंड पाई थी। शेरनी दहाड़ वो तो छाती पर चढ़ बेटी, शेरनी दहाड़ वो तो छाती पर चढ़ बेटी, प्राण कैसे बचे प्रभु मेरी ही लुगाई थी। क्या बात, कैसे बचे प्रभु मेरी ही लुगाई थी। क्या बात है, हास्य का जो होली पे माहौल होता है उसके लिए कहता हूँ कि उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ गुलाल, जिसको जो अच्छा लगा उसने दिया उछाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रमेश जी, मैंने देखा है आपके अपीयरेंस से, आपकी लंबाई से, और आपको और क्या समस्याएं होती हैं लंबाई से? बड़ी समस्याएं होती है, समस्या ये नहीं कि मैं लंबा नहीं, आप तो चाहते हैं तो धीरे से बल्ब बदल सकते हैं, क्या दिक्कत है आपको, परेशानी क्या है? आप तो यहीं से बता सकते हैं कि चोमू वाली बस पहुंचने वाली है। हाँ? तो हाइट के तो फायदे हैं, हमारे जैसे ठेकेदार आदमी कहां देखे ये चीज। आप मेरे से बच के रहना, ठीक है। वो कहते हैं मैं एक स्नान करे ओसामा, स्नान करे थानदार जी, दर्शन करे पांचाल जी। मैं आपसे बैठा बैठा बता सकता हूँ कि आपके घर में क्या हो रहा है। क्या बात है, अंतर्यामी होता है एक लंबा आदमी, है ना जी। जी, 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 ये तो बिल्कुल भगवान के बिल्कुल नजदीक है आपका, तो कभी भी गर्दन उठा सकते हैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया। और कुछ आपका मन की चीज सुनाए जिससे आपको लगता है कि बेस्ट। एक बाबा स्तुति सुनाते हैं आपको। हाँ। आजकल चैनल इतने हो गए, 250 चैनल और 500 बाबा कुछ न कुछ। चलो चलो, हाँ बाबा ऐसा आराम की एक रचना है मैंने सुनी आपका। चलो चलो, राम बाबू की आपको कथा सुना दे। जहां राम बाबू की, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है सबको, आप बताएं। हाँ जी, कि कपट मुंड पाखंड काय, कोटि भांड स्वांग तमा, नयन मटके से सुरुक्रे प्रेम प्रचंतु सर्वदा। क्या बात है, क्या बात। की ढोंगर की ढोंगर कामने गोंगर यणां तम स्वर्ण भस्म शिला जीत मूसली घोंट जवां तुम। आहा, गोपियों संग कुटिया में गंदी बात, गंदी बात यणां तम स्वर्ण भस्म शिला जीत मूसली घोंट तुम। गोपियों संग कुटिया में गंदी बात, गंदी बात गंदीयाणां तुम, सकल जगत निधि तुम बाबोती सम घुसो मम हार। वाह, करो बुद्धि भ्रष्ट लुटो मम सर्वदा, धन धाम संपदा लुटो रोप्यो नमो नमो। क्या, चरस गांजा भांग रम बियरम थर्रा घटक सोटा लगा, ब्रेक डांस विद ब्यूटी सेक्सी अप्सरा संग तुम गुंडो भ्यो नमो नमः, देवड़ो भ्यो नमः, अस्योड़ो भ्यो नमः, क्या बात है, छोटो भ्यो नमः, तड़िपार भ्यो नमो नमः। बोले झांसाराम जी महाराज की। झांसाराम जी की बात पे मुझे दोस्तों एक बात याद आई कि झांसाराम जी के साथ टुंडा भी बंद था, तो टुंडा से उसने पूछा कि आप कैसे बंद हो, बोला जी मैं फूल जी जड़ी की वजह से बंद हूँ। टुंडा बोला जी मैं तो बम की वजह से बंद हूँ। तो वो बोल रहे हैं नहीं मैं तो फूल जड़ी की वजह से ही बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए पांचाल जी, आप हमेशा कविता में बात करते हैं या कुछ आप कुछ अंदर की कुछ वेदनाएं भी कहना चाहते हैं, समाज की कोई बात कहना चाहें, मैसेज देना चाहें? समाज की सभी से यही निवेदन है, सदा सकारात्मक सोच रखें, हो सके आप किसी का भला कीजिए।
मेरा एक चार पंक्ति गजल आपको प्रोत्साहन के लिए मैं आपको जी, जी 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 अच्छा बहुत लगता अच्छा है जी कि मानव सेवा को ही पूजा बना लो। क्या बात है, मानव सेवा को ही पूजा लो, पांचाल इंसान बन जाओगे। वाह, मानव सेवा को ही पूजा बना लो, पांचाल इंसान बन जाओगे। रख दो नाथ के सिर हथेली, आसमान बन जाओगे। भर लो उसको बाह में, जिसका साथ साया भी छोड़ गया, उस सुदामा के तो आप भगवान बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। और एक वो किसान का माँ पड़ाव आजकल चल रहा है, एक आप किसानों की भी भूखा किसान सोता है, वो एक छंद था मैंने के सुना। साथ में आपको एक बढ़िया बात और सुनाता हूँ उस कड़ी हाँ, में ही। हाँ, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल 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 मोटिवेशन में ही हाँ, आपको हाँ, एक चीज बहुत बढ़िया सुनाते हैं। सुना है, सुना कि है। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर, जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। क्या बात है, आजकल ये बच्चे छोटी छोटी बातों के ऊपर घर छोड़ के भग जाते हैं, स्टूडेंट छोटी छोटी बातों के। अच्छा, अकेले भग जाते हैं, समस्या यहाँ आती है। किसी की बच्ची को लेके भगे तो अच्छा भी लगे। ये बात बताया, फांसी का फंदा लटका ले। तो वहीं से मेरे को एक मोटिवेशन के लिए, उन बच्चों के लिए खासकर जो छोटी छोटी बातों के लिए आजकल गलत कदम उठा लेते हैं, कि जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। क्या बात है, जिंदा है तो जिंदगी की बात कर, वक्त ने बदली है चाले, तू शह दे और मात कर। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर, वक्त ने बदली है चाले, तू शह दे और मात कर। छा गया अंधेरा तो गुम ना हो जाना, चल उठ जला दीपक फिर जगमगाती रात कर। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे साथ आज रमेश पांचाल जी हैं, और मैं जोरदार इनकी बातों से मोटिवेशन है, हास्य है, खुद पति का दुख भी, पति पत्नी कितनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। दंपति क्या होता है सर, दंपति के बारे में बताएं। पत्नी के दंपति है मेरी धर्म पत्नी की दृढ़ मान्यता यह है, दंपति उसको कहते हैं जिसमें दमदार पत्नी अपने दम पर पति का दम घोट के दमे की बीमारी कर दे। वाह, और आखिरी दम तक पीछा करते हुए दम निकाल कर ही दम ले, उसको दंपति कहते हैं। क्या बात है, दम की बीमारी कर दे। नए नए बच्चे करते हैं ना, श्वास श्वास में तुझे ही बसाया व्हाट्सएप पे, बाद में शादी होती है दमे की बीमारी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये इनहेलर वगैरह कुछ यूज नहीं आता इसमें, काम नहीं देता इस बीमारी में? कुछ नहीं काम आता इसमें, कुछ भी नहीं आता है। तो किस में क्या काम आता है कोई बीमारी में? आपने क्या महसूस किया, किस तरह की बीमारियों का इलाज क्या हो सकता है आपकी नजर में? हंसी के माध्यम से बताएं। इसका इलाज तो बस पति पत्नी स्तुति है जो नित्य कर लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, झांसा राम स्तुति है, इनके पास स्तुतियां थी, छंद थे और बातें थी। आज हमारे साथ रमेश पांचाल जी हैं, और मैं कहना चाहता हूं रमेश जी, और आपके अंदर और क्या बेस्ट है वो आप बताना चाहें, कुछ हास्य का हो, कुछ भी हो जो आपको याद आ रहा हो। अपने घर की ऑडियंस है और घर के लोग हैं, इनके सामने बताने में क्या शंका है? घर की बात आप भेद तो बताएंगे नहीं, पर मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं। बिल्कुल वही खड़ा था हाँ। आपको जैसे ये नए नए बच्चे आजकल फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लिख देते हैं क्या, तेरी ही सूरत तेरी ही मूर्त, शादी होते ही मोतिया बिंद हो जाता है। ये बात हो जाती और है। वो यू आर माई हार्ट, तू ही मेरे दिल की धड़कन रे। खत्म, ब्रेक ले लेते कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं, तो दोस्तों ये थे रमेश पांचाल जी हमारे साथ, आज खास मुलाकात थी इनसे। और मैं चाहता हूं कि इतने लंबे आदमी, इनका ब्रेक तो बनता ही है, नहीं तो इसमें से एक ब्रेक हो जाएंगे तो दो बंदे निकले आएंगे, तो ब्रेक बनता है दोस्तों। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। किसने दी सह, किसको मिली मार, मैं करूंगा राजनीति की सीधी बात। खबर की तह तक जाएंगे हम, मैं करूंगा आपके साथ खबर का पोस्टमार्टम। लगते हैं आरोप, होती है जांच, मैं करूंगा अब हर खबर का पर्दाफाश। होगी बात ढाणी से लेकर गांव तक, हम लेकर जाएंगे आपको गांव से शहर तक। आप तक सही खबर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी,
हम हैं डीपीके न्यूज। एसएल पब्लिक स्कूल पदमपुर, आज ही करवाएं उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का एडमिशन। अगर चाहिए राजस्थान के तमाम बड़े शहरों की खबरें तो है सिर्फ एक ही पता, बड़े शहरों की बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है और हमारे साथ हैं रमेश पांचाल जी, विख्यात कवि। विख्यात कम है, कुख्यात ज़्यादा है। और कुख्यात किस साइंस में है आपने, क्योंकि इन्होंने ये दुनिया की नब्ज़ पकड़ते हैं। और नब्ज़ आजकल क्या होती है दोस्तों, लोग मार्केटिंग की लोग हो गए हैं, मानवीयता कम हो गई है, प्यार कम हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि एक इनकी मार्केटिंग की बहुत अच्छी रचना है, वो आप सुनाएं। मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग हो रही है आजकल, आप बताएं। वही बिल्कुल, मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम रिश्तों को भूनने जा रहे हैं। जहाँ भी कहीं भी लगता है कि ये आदमी मेरे को इस काम में आएगा तो मैं तुरंत उसी को यूज में ले लेते हैं। रिश्तों में भी वही हो गया है। क्या बात, प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ी, शुरू करता हूँ। मार्केटिंग की कविता है, फांसी कविता है कि प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ी, हे जीजा जी। मैंने पूछा आप कौन सी वाली जी, कि वही वाली जो आपको एडी से चोटी तक नंग डाली। जीजा जी आपकी जूतियां भी मैं ही चुराई, कसम से आज तो आपकी बहुत याद आई। शाम को घर आओ, हमारी जीजी को साथ लाओ, खाना हमारे साथ खाओ। घर पे जाते ही देखा वहां लगा रखी थी साड़ी की सेल। क्या बात, सेल में हमें दिया देखे,
वहां देखता हूँ कि कई जीजी और जीजाओं की दखम दखे और वाह मतलब शाली रिश्ते को ही बुना डाली, एक चाय दो बिस्किट मेरे सामने लापट के और साड़ी की सेल के नाम से 10,000 की जेब कट गई। क्या बात है, क्या बात। सुबह सुबह दोस्त आया घर पर, दोस्त आया घर पर, सोफा चेप गया उधार पर, बड़े मजे से हमने सोफा सजाया। वाह, भारी भरकम भाभी के साथ में पड़ोसी देखने आया। क्या बात है, असली भाभी ने नकली सोफे पर जो तशरीफ रखी। ओह माय, तशरीफ तो आप समझते ही हैं। हां जी, असली भाभी ने नकली सोफे पर जो तशरीफ रखी, मेरे कलेजे में हुई दगदगी। सोफा बोला चूम, चट चट, आवाज हुई धड़ाम। क्या बात हो गया काम तमाम। वो भाभी जी की तो कई हड्डियां, सोफे की सारी लकड़ियां झटपट टूट गई। नकली तो था मुर्दा, असल में अर्थी संस्कृत। क्या बात है, घर में ही अर्थी। सुबह सुबह 4 बजे दोस्त ने फोन खड़काया। 4 बजे? 4 बजे। अरे वाह, सुबह सुबह 4 बजे दोस्त ने फोन खड़काया, लकड़ी की टाल खोली है शमशान घाट में, वो शुभ समाचार सुनाया। क्या बिजनेस। सुबह सुबह 4 बजे दोस्त का फोन आया, शमशान घाट में लकड़ी की टाल खोली है, ये शुभ समाचार सुनाया। वो बोला, हे मेरे भाई, हे मेरे यार, तू ही मेरा सच्चा मददगार, सेवा का मौका दे। माँ बाप को ही मार दे। कोई सुलट गया हो तो बता दे। अरे वाह वाह, जानकारों को 25% की छूट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी बहुत जानकार है। और तूने 4-5 मुर्दे भेज दिए तो तुझे तो फ्री में ही। अरे वाह वाह, ये तो मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही है। अगर 15-20 केस दे दिया तो हरिद्वार और तीय का खर्चा भी यार ने किया। अरे क्या बात। अगर 40-50 का कर देता है टारगेट तो सारा खर्चा मेरा नुक्ता समेत। नुक्ता समेत, वेरी। पता कैसा लगा वो पर, मैंने कहा मसाणी तू फोन बंद कर। मसाणी, क्या बात है। फोन बंद, घूमने निकला, गेट पर ही एक खड़ा था जैसे बकाया मांगता हो पिछला। क्या बात, वो जाने क्या चेन सिस्टम समझाया। चेन सिस्टम समझते हो, एक के नीचे तीन बनाओ, तीन भी अपने नीचे तीन बनाएंगे, नौ नौ भी अपने नीचे तीन बनाएंगे, 27। अच्छा अच्छा, 27 बनती है मल्टीप्लाई होता है, 9 बनते है गाड़ी, 27 बनते है गाड़ी, गाड़ी रेख पचाड़ी ना, गाड़ी ने पचाड़ी कहीं होगा सूपड़ा साफ करके कबाड़ी। क्या बात है, कई प्रिया परिवार गोल सूप वगैरह दिखेगा। बिल्कुल, क्या चेन सिस्टम समझाया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरी पत्नी को बलाया फुसलाया कई बार, उल्टा सीधा समझाया। भाभी जी, आम आम की आम गुटलियों से बंगला गाड़ी है शोरा, और 5,000 में चेप गया कुकर आदि सामान। वो कुकर कुकर अपना दिखाता रहा। अच्छा, बंगला 3-4 दिन तक तो सीटें ही बजाता रहा। किसको देखे, दरवाजे पर घंटी बजी, मैं जगा, पत्नी जगी, बाहर था मेहमान। मैंने कहा भाग्यवान, भाग्य खुल गए, आधी रात को आए अतिथि भगवान, चाय पिलाई, खाना खिलाया, हफ्सी बुकड़ ने 3 बार आटा लगवाया। ओहो, मैंने पूछा जी आज जयपुर में किस लिए, म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट हूँ, मीटिंग थी इसीलिए। क्या बात है, एजेंट शब्द सुनते ही खोपड़ी हो गई एकदम सुन। और भाई ने तो कई ऑफर बना रखा था पक्का मन। मैंने कानों में उंगली डाली, उसने कई स्कीम सुना डाली। मेरा गुस्से से चकराया सिर, मेरे मन का हे रात्रि को चरने वाले निश्चर, तुरंत हो जा रहा पू चक्कर। क्या बात है, वरना अनहोनी हो जाएगी, रात्रि को 2:30 बज रहे, न जाने कैसी कैसी धारा मुझ पे लग जाएगी। आखिरी आखिरी पंक्ति ताली बजा दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सभी को यही कह रहा हूँ। सुना था जी, सुना था, प्यासा नदी के पास जाता है प्यास बुझाने के लिए। मार्केटिंग की बाढ़ घरों में घुस आई है रिश्तों को मिटाने की। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार बात है। रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन रिश्तों की इस मिठास को पुनः लौटाने के लिए हम चाहते हैं आप उस रस की, उस छंद की बात करें जिससे लोगों का, नौजवानों को लगना चाहिए कि हम कितने, मतलब कितनी हमारी संस्कृति गौरवशाली थी। एक बार जोरदार आप बताएं, आपकी मैंने वो रचना सुनी है, आप बताएं। लाल लाल कपोलन वाली बहुत बढ़िया रचना है, ध्यान से सुनेंगे आप। श्रृंगार के छंद जी, अपना हम आज से कविताएं करते हैं, लेकिन जो मूलतः जहां से हम इस चीज का बेस हमें मिला है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस राज कहा गया है, नौ रस कहे गए हैं जिसमें श्रृंगार रस को रस राज कहा गया है। क्या बात, तो श्रृंगार रस अपना, उसका अपना आनंद है, उसकी अपनी मस्ती होती है। तो आपको एक दो छंद सुनाते हैं। जी जी, स्वागत है, स्वागत है सर। चांद जैसे मुख पर बिंदिया, सूरज जैसी,
चांद जैसे मुख पे बिंदिया सूरज जैसी, वाह क्या बात है। चांद जैसे मुख पर बिंदिया सूरज जैसी साड़ी के सितारों बीच बदन धमकता, क्या बात है। चांद जैसे मुख पर बिंदिया सूरज जैसी साड़ी के सितारों बीच बदन धमकता, घूंघट की पट ओट पोहे के कमान दान नजरों का तीर मेरे दिल पर चलता, क्या बात। चांद जैसे मुख पर बिंदिया सूरज जैसी साड़ी के सितारों बीच बदन धमकता, घूंघट की पट ओट पोहे के कमान दान नजरों का तीर मेरे दिल पर चलता। काली से भी कमाल कमाल सा बदन जब काली से भी कमल कमल सा बदन जब फूलों सज सहज पे गुलाब सा महकता, तन से तन तरुणाई में तलीन दब तार तार तन का तरंग ताल बजता, क्या बात है। तरंग तरंग में आपकी रोमांस बसा हुआ है और आप तो इस चीज को भूलते जा रहे हो सर, ऐसी चीजों को भूलो मत, इसको संजो के रखो, नौजवान पीढ़ी आपसे यही तो सीखना चाहती है। और दोस्तों आज रमेश पांचाल जी ने हमारे साथ जो जो हास्य के पल बिताए हैं, इनकी बात और मैं चाहता हूं इनके दिल के जज्बात आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आज हमारे साथ थे रमेश पांचाल जी, जिन्होंने आपको खूब हंसाया, गुदगुदाया और छंदों की महकती दुनिया से आपको रूबरू कराया। और इस तरह के हमारे कई साथी आपके बीच आते रहेंगे और इसको ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और एक से एक नई काव्य की रचनाओं का, लाफ्टरों का रसा स्वादन आप ले सकते हैं। मैं पी के मस्त आपसे फिर मिलूँगा, अब इजाज़त दीजिए दोस्तों।